क्या चल रहा है यहाँ पे? बहुत सारी मस्ती देखी जा रही है, एकदम डांस का। हाँ, क्योंकि हमारे मॉम डैड की शादी हो रही है, जो हमारा सपना था फ्रॉम डे वन ऑफ द शो के बस हमारे मॉम डैड साथ हो जाए। बट उस समय तो हम सोचते थे कि सिर्फ साथ हो जाए, एक साथ रहे। हमने खुद ने नहीं सोचा था कि दे विल गेट मैरिड अगेन एंड ऑल दैट। सो हमें जैसे ये मौका मिला ना, हमने सोच लिया कि इनकी शादी अब एकदम फुल रस्म के साथ होनी चाहिए, लाइक जो एक्चुअली न्यूली मैरिड कपल में होती है, कि मेहंदी हो, संगीत हो, प्रॉपर शादी हो, फेरे हो, वो सब हम करा रहे हैं और ये हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। तो इसके लिए कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ी और कितनी दिक्कतें आई ये सब? हाँ, ऑफकोर्स, क्योंकि एकदम सडनली हमारे दिमाग में भी आता कि शादी करनी है और दो दिन में शादी करना है, तो मुश्किल तो आई। सो हमारे डांस प्रेपरेशन जो हमारे लिए हम सरप्राइज दे रहे हैं हमारे मॉम डैड को, तो वो सब भी करने में थोड़ी दिक्कत आई, पर हो गया। वैसे अपने आप को कितना लकी मानती है, क्योंकि बच्चों के नसीब में होता नहीं है वो अपने मॉम डैड के साथ। बहुत, आई नो अपने मॉम डैड की शादी जैसे है कि माँ बाप बच्चों की शादी कराते हैं, हम शायद पहले बच्चे जो हमारे मॉम डैड की शादी करा रहे हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि दे डिजर्व टू बी टुगेदर, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो अभी संगीत का माहौल चल रहा है। हाँ। और इसके बाद और क्या क्या प्लानिंग्स हैं और क्या क्या होंगे? अभी मेहंदी भी होगी, हमारे हाथ में मेहंदी भी लगेंगी, उसके बाद फेरे भी होंगे, शादी भी होगी प्रॉपर एकदम, जस्ट विदाई का आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि एक ही घर में आने वाला है तो हम लोग खुश होंगे, हम रोएंगे नहीं। आई थिंक ये पहली भी विदाई होगी जहाँ हम रो नहीं रहे, हम खुश होंगे। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ होगा लाइक कि शादी के बाद बच्चे अपने मॉम डैड को गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ कोई गिफ्ट? ये आई थिंक सबसे बड़ा ही गिफ्ट है जो हम उन्हें दे रहे हैं, शादी चाहे उन्हें पसंद आए ना आए, पर हमारे लिए तो बहुत खुशी का मौका है, वी जस्ट एंजॉय। तो शादी के बाद कहीं ट्रिप का प्लान है? नहीं, इतने सालों बाद हम साथ आए तो हमें एक साथ रहना है, मतलब एक छत के नीचे रहना है, हमें कहीं नहीं जाना है अभी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।